हेलो दोस्तों, आज मैं न्यू दिल्ली के नजफगढ़ में इनका शोरूम है। काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पर स्कूटीज दिखी जो बैटरी वाली है, लेड एसिड बैटरीज में। जैसे कि आप लोग ढूंढते थे लेड एसिड बैटरीज में स्कूटर बताइए, तो मैंने आज यहाँ पे देखा काफ़ी अच्छी लेड एसिड में बैटरीज में स्कूटर हैं इनके पास में। चलिए आ जाइए, आप आज देखते हैं कौन कौन सी इनके पास में स्कूटर्स हैं। देखिए काफ़ी सारे हैं। चैनल को ये सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले थोड़ा बाहर, और जो हम मेहनत कर रहे हैं शूटिंग में आपको हमें मोटिवेशन मिले था करने में। ठीक है, आपको मैं मिलवाता हूँ इनसे। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या होगा सर? आकांश गुप्ता। आकांश गुप्ता, कहाँ पे है सर शोरूम आपका? ये शोरूम हमारा नजफगढ़ नांगलोई स्टैंड के पास है, अपोजिट चर्च है सामने। आप अपोजिट? अच्छा, चर्च है सामने, ये देख लीजिए। यहाँ पे चर्च है अपोजिट में, और यहाँ पे इनकी शॉप है। ये देखिए यहाँ पे इनकी शॉप है। ये रोड जेट हमारा, रोड जेट के नाम से है। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने से खुले हुई है यहाँ के पार्षद ने, यहाँ की ओपनिंग की है। अच्छा अच्छा, निगम पार्षद है यहाँ के। तो सर ये बताएंगे आप कौन कौन से आपके पास में स्कूटर्स हैं अवेलेबल? हमारे पास TNR, मेनली TNR होता है। अच्छा, ऑक्समो होता है TNR का, जैसे आप ये देखेंगे ये स्कूटर, ये वेस्पा मॉडल। अच्छा, ये स्टाइला नाम से हमारा ये स्कूटर होगा। अच्छा, एक हमारा राइडर स्कूटर है। अच्छा अच्छा, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे? स्पेसिफिकेशन जैसे आप इसमें आगे फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा। अच्छा, आगे फ्रंट में डिस्क है। फ्रंट में डिस्क है। अच्छा हाँ, इसमें डिस्क है आगे, और टेलीस्कोपिक शॉकर्स हैं इसमें। हाइड्रोलिक शॉकर है। हाइड्रोलिक शॉकर्स हैं। अच्छा, और इसमें कितने बैटरी का इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा? 60 वोट में आता है ये स्कूटर। 60 वोट में, लेकिन आपको अगर मॉडिफाई कराना है 48 वोट में तो 48 वोट में भी मिल जाएगा। मॉडिफाई भी हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, कितने एज में होगा ये? इसमें 28 एज की बैटरी मिलेगी। 28 एज, और लेड एसिड बैटरी होगी? लेड एसिड चाहोगे लेड एसिड मिल जाएगी आप। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, आप लेड एसिड कहोगे लेड एसिड दे देंगे, लिथियम कहोगे लिथियम दे देंगे। अच्छा, लिथियम भी मिल जाएगी। इसका दिखाएंगे आप बूट पे? इसकी चाबी ना आपको ऊपर। अच्छा, ऊपर भी मॉडल्स हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, ये वाला भी सेम है क्या? हाँ, ये लेकिन दूसरी कंपनी में लेडीज स्पेशल मॉडल है। अच्छा, लेडीज स्पेशल मॉडल। आपको ना थोड़ा रोडनेस कम मिलेगी कहीं। अच्छा, भी आप छोटी छोटी गलियों में से निकाल सकते हो स्कूटर को। अच्छा अच्छा, कैसे? इसमें भी फ्रंट डिस्क, मतलब ये दोनों में ही फ्रंट डिस्क है। ये जो दोनों मॉडल हैं, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि ये छोटा है। अच्छा, ये छोटा है, छोटा सीट छोटी है। हाँ, थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में, प्लस सीट छोटी है और ना कंपैटिबल होता है लेडीज के हिसाब से, मतलब अपना कॉम्पैक्ट टाइप। अच्छा, इसमें भी कलर ऊपर है आपके पास में? कलर मिल जाएंगे, ब्लैक मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा। ऊपर भी आपके पास मॉडल है येलो कलर का, वो भी बिक गया है हमारा। अच्छा, येलो कलर में भी था ये। और इसकी बात करें तो ये अपना सुपर 30 मॉडल है। अच्छा, ये सबसे बेसिक मॉडल है, ये 48 वाट में आता है। 48 वाट में, और इसका रेंज भी काफी कम है। कंपनी ने सबसे बेसिक मॉडल, और कंपनी है यही मॉडल चाइनीज कंपनियां बना के बेच रही हैं, लेकिन वो हाई डिमांड में हाई रेट आपसे लेंगी, और लेकिन ये हमारा मॉडल आपको 48,000 में। अच्छा, 48,000 में स्कूटर पड़ेगा। बैटरी का स्पेसिफिकेशन क्या होगा इसका? बैटरी की स्पेसिफिकेशन होगी 28 एच की बैटरी होगी इसमें। 48 वॉट चाहिए तो आपको 48,000 का, 50 वॉट चाहिए तो आपको 50,000 में। अच्छा हाँ जी, ठीक है। इन सारे कलर्स आपके पास ऊपर भी हैं? कलर आपको कई कलर, 4-5 कलर आते हैं, जैसे आप सामने देखिए वो जूबा 30 येलो कलर में भी हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये नीचे हमारा वर्कशॉप है। अच्छा, ये वर्कशॉप है? हाँ जी, नीचे ही वर्कशॉप है, सारी कंपनी की सर्विस होती है अपने। अच्छा, फ्री सर्विसेज हम फ्री देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इनके शोरूम में देखते हैं ऊपर और कौन कौन से स्कूटर्स हैं। देखिए ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पहले, ये नीचे नहीं था ना? ये नीचे था, व्हाइट कलर। अच्छा, ये व्हाइट कलर में था जो आप बता रहे थे हमें दिखाने के लिए, तो इसके बारे में आप बता दीजिए ठीक से थोड़ा सा। इसकी बैटरी आपने 48 एंड 60 दोनों में मिल जाएगी? ये वैसे आता कंपनी से 60 वाट में, बट 60 वाट में किसी को अगर चाहिए 48 वाट में रिक्वायरमेंट है तो 48 वाट में मिल जाएगी। अच्छा, 48 में मिल जाएगी। बेसिकली हम सब मॉडल में मॉडिफाई कर देते हैं 48 भी 60 भी। अच्छा, इसमें लाइटिंग और फीचर्स वगैरह कुछ बता दीजिए। मैं आपको ऑन करके बताता हूँ, ये अपना लाइट है। अच्छा, एलईडी होगी ये? एलईडी लाइट्स है, एलईडी है, बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं करती होंगी? नहीं नहीं, एलईडी लाइट्स होंगी। ये इंडिकेटर ऑप्शन है अपने, ये पार्किंग में आपका ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अच्छा,
एलईडी में है, इसमें इसमें इंडिकेटर्स में भी एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे भी स्पेस काफी ज्यादा दिया हुआ है इसमें, देखिए यहाँ पे बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक ये देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और डिक्की स्पेस है, यहाँ अंदर में देख लीजिए काफी स्पेस है इसमें कुछ भी रखने के लिए। प्लस फिर आपकी अपना कुछ इसमें, अच्छा ये देखिए नीचे यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, साइड फुट दिया हुआ है इसके अंदर में ये। अच्छा, इसमें आगे डिस्क है ना, और पीछे कौन सा होगा? नॉर्मल होंगे, पीछे नॉर्मल ब्रेक है, ड्रम ब्रेक होगा पीछे। हाँ जी, पीछे ड्रम ब्रेक है। और मोटर की बात करें तो कितने पावर का मोटर होता होगा इसका? ये कंपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो 250 वॉट होती है, बट बेसिकली ये 1000 वॉट होती है। अच्छा, 1000 वॉट। बूट स्पेस दिखाएंगे जरा आपका? जी, इसकी बूट स्पेस आप चेक करिए, देखिए काफी अच्छा मटेरियल हमारे आपको सभी स्कूटर में, TNR के स्कूटर में टूल किट साथ में आएगी। अच्छा, प्लस आप लिथियम में रखना चाहते हो तो लिथियम में भी आपका ये जो है अपना ओपन हो जाता है। अच्छा, ये देखो आप लिथियम बैटरी भी लगा, अभी लेड वैसे लगी हुई है। हाँ जी, ये देखिए इसमें लेड बैटरीज लगी हुई है, बैटरीज लगी हुई है, टोटल इसमें 5 बैटरीज लगी हुई है। इसमें आपको मोबाइल चार्जर मिलेगा, देखिए मोबाइल चार्जर यहाँ पे इसमें अंदर में दिया हुआ है, आप आराम से लगा करके चार्ज कर सकते हैं। ये अपना मेन MCB होती है। प्लस आपको क्रोम फिनिश में आपको इसके साइड मिरर्स मिलेंगे। अच्छा हाँ, देखिए मिरर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें, ये देखिए मिरर्स की क्वालिटी बहुत काफ़ी बढ़िया दी है। बाकी ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें, ये इसकी फीचर्स की गाड़ी की फीचर्स में ये बताता हूँ, इसमें एक तो मेन तो एंटी थेफ्ट आता अच्छा। है सेंसर वाली कीज होती है, प्लस आप कीज देख सकते हैं। अच्छा, ये जो अपने स्कोडा वगैरह में गाड़ियों में आती थी उस टाइप की कीज़ें, तो चोरी वगैरह का तो डर है नहीं इसमें। अच्छा, बिल्कुल भी। कीलेस स्टार्ट भी है? हाँ जी, कीलेस स्टार्ट है, ये अपना बटन दबाएंगे देखो वो ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, जरा देखें इसमें इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। ये फर्स्ट मोड पे है अभी, अभी ये है फर्स्ट मोड पे, देन आ जाएगा सेकंड मोड। अच्छा, देन आएगा थर्ड मोड, प्लस ये पार्किंग मोड भी दिया हुआ है कंपनी ने, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे पार्किंग मोड हट जाएगा। अच्छा, आप ब्रेक दबाने ऑपरेट कर सकते हैं स्कूटर को फिर। अच्छा, देख लीजिए आप, देख लीजिए कितने जा रही है इसमें स्पीड, ये 50 तक जाता है मैक्सिमम, 50 तक जाता है। हाँ जी, काफी बढ़िया है। और दिखा दीजिए कोई दूसरी कोई मॉडल्स। इसके बाद हमारा इसी का फादर मॉडल आता है, इसी का फादर है ये। अच्छा, ये कितने वोल्ट में होगा? ये 60 वॉट में आता है, 60 वॉट, 48 वॉट का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, लेड एंड लिथियम दोनों इसमें चूज कर सकते हैं, लेड एंड लिथियम दोनों आप चूज कर सकते हैं। इसकी सिटिंग स्पेस देखिए आप, ये देखिए, देखिए इसमें तो डबल सीट है, डबल सीट है, बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल है। बस आपका यहाँ से ये जो है लॉक सिस्टम है अपना यहाँ से बंद हो जाता है, ताकि कोई की नहीं घुसा सकता इसमें अंदर। अच्छा अच्छा, LED मीटर होगा, LED मीटर। प्लस ये LML का वही सेम स्कूटर जो कभी LML आता था, वही सेम स्कूटर को बिल्कुल इन्होंने इलेक्ट्रिक में मॉडिफाई किया। अच्छा, कंपनी ने अपग्रेड करके दे दिया इसका बूट स्पेस को दीजिएगा। अच्छा, बूट स्पेस ये देखिए ऐसा अंदर से ऐसा है, प्लस इसमें आपको ये एक सिस्टम जैसे आपको लेड एसिड है भी इसमें फिलहाल, आपको कभी भी इसमें लिथियम बैटरी लगवानी है तो इसमें फाउंडेशन ऐसा डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, कि आप यहाँ से सीधा डब्बा अपना बॉक्स जो होता है यहीं से एंट्री कर सकते हैं और उठा सकते हैं। स्वैपेबल हो जाती है? हाँ जी, स्वैपेबल हो जाती है, निकल स्वैप वाली बैटरी वाला सिस्टम। अभी इसमें 5 बैटरीज लगी है 60 वॉट। हाँ जी, लेड में। ये इसका चार्जर होगा? ये चार्जर है जी, ये टूल किट है। कॉस्टिंग की बात करें तो इसका कॉस्ट कितना आएगा 60 वॉट में? इसकी कॉस्टिंग आएगी जी 60 वॉट में, आपको पड़ जाएगा 67,000। हाँ जी, प्लस इसकी आप मेन फीचर इसका यही है कि ये देखो पूरा मतलब स्कूटर जो है बड़ी सीट में, प्लस 6 फीट वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जिसके वो कहते हैं कि भाई छोटा स्कूटर नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए स्कूटर, उनके लिए सीट बहुत कंफर्टेबल है। कहोगे तो मैं आपको इसको बैटरी दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिए, ये स्टार्ट करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ प्लस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अपना स्कूटर हो रहा है स्टार्ट। अच्छा, पहले नीचे की से अनलॉक करना पड़ता है। हाँ जी, ये देखिए ये बैटरी से शो कर रहा है। हाँ जी,
ये 35% हो गया, फुल बैटरी है। ये अपना इसमें पार्किंग मोड दिया हुआ है, यहाँ से बार बार आपको की से करने की जरूरत नहीं है। और ये मोड्स होंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड, अपना फर्स्ट पे अपना ये 25 दिखाता है, उसके बाद देन ये 35 ना लास्ट मोड पे 50 आता है। 50 आता है, हाँ जी इसमें 50 आता है। ये कभी भी ये नहीं लगता होगा कि कोई कस्टमर अगर बैठ गया और किसी दो को बैठा लिया तो गाड़ी दब गई ऐसा कुछ? मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप तीन बंदे भी बैठाओगे, लड़के लड़कियां दो भी बैठाओगे तो ये लोड नहीं मानेगा स्कूटर। देख लीजिए, काफी देखने में अच्छा है, जिसको इस टाइप का स्कूटर चाहिए वो ले सकता है। अपना लाइट है इसमें, डबल डबल लाइट्स जल रही है इसके अंदर। हां जी, ये इंडिकेटर जल रहा है। आगे भी इसमें डिस्क है ना? हां जी, आगे भी डिस्क है इसमें। और टायर ट्यूबलेस होते होंगे? टायर ट्यूबलेस है, हमारे सारे स्कूटरों में ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको। ट्यूबलेस टायर, हाँ जी। इसमें भी फ्रंट बूट स्पेस है यहाँ पे भी आपका। अच्छा, इसमें भी बूट स्पेस है? हाँ जी, बट अभी जैसे पन्नी देख सकते हैं, पन्नी चढ़ी हुई है, प्लास्टिक लगी हुई है तो निकलेगा नहीं, तो इस वजह से अभी निकल नहीं पाएगा, बट फ्रंट भी खुलता है। प्लस इसमें ये देखो आप नीचे, अच्छा, जो देख रहे हो इसमें बेसिक की फीचर जो है बिल्कुल प्योर स्कूटर की तरह दिया हुआ है। अच्छा, ये देखो आप पैर रखने के बाद ये ऊपर, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर। अच्छा, कई कस्टमर्स की क्वायरीज रहती हैं कि जैसे बारिश के मौसम में चला रहे हैं, या मान लीजिए अभी बारिश में खड़ी है थोड़ी, जो है हमारी वाटर रेजिस्टेंस वाटरप्रूफ बनाती है, बट एक लिमिट होती है, आप इसको बिल्कुल पानी में डुबो दोगे तो गाड़ी भी बंद हो जाएगी। बट ये है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत छींटे पड़ गए या कुछ तो कोई इशू तो नहीं है, इतने पानी में चलाओ आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलने से भी, चलने से भी कोई दिक्कत नहीं है। साइड में अब आपको ये देखो लेडीज फुटरेस्ट दिया हुआ है इसमें। अच्छा, फुटरेस्ट भी है इसमें? अच्छा, ये एलईडी है पीछे वाला। और इस स्कूटर को चलाने के लिए कोई लाइसेंस, हेलमेट या नंबर प्लेट ये तो नहीं लगता होगा? आईकेट अप्रूव्ड है। अच्छा, आईकेट अप्रूव्ड है, इसमें आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको छोटा सा कार्ड होगा, तो कि आप जो भी आपको ट्रैफिक वाला बोलता है तो आप उसको वो कार्ड दिखाइए, वो आपको वैसे भी नहीं परेशान करेगा। अच्छा अच्छा, तो देखिए काफी अच्छा स्कूटर है ये, और ये भी सेम ही है ये चीज। ये छोटा मॉडल मैंने आपको ब्लैक वाले में जो दिखाया था, अच्छा ब्लैक वाले का कलर है ये। हाँ जी, ये देखें तो ये रे वाई 68 टोक्समो कंपनी का स्कूटर है। ये कंपनी बेसिकली, अच्छा, इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाती है, काफी बड़ी कंपनी है, जो अपना चार्जर वगैरह आते हैं फोन के। इसमें अच्छा, आपको रियर में वैसे ड्रम ब्रेक मिलेंगे, ड्रम ब्रेक है, पीछे भी ड्रम भी होगा? हाँ जी, पीछे भी ड्रम ब्रेक है। इसमें फोकस वाली एलईडी होगी, और साइड में दोनों तरफ डीआरएल है। अच्छा, डीआरएल। हाँ जी, इसमें आपको रिवर्स मोड भी मिलेगा, देखिए। अच्छा, इसमें रिवर्स मोड भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड अपना चलाने के लिए आते हैं इसमें। बस इसमें देखो, ये एक तो यहाँ आपको फोन चार्जर मिल जाएगा। अच्छा, फोन चार्जर भी है? हाँ जी, फोन चार्जर है। अच्छा, और अपना ये अपना बॉटल्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, फिर हमारे पास इसकी जो चाबियां हैं वही अपना जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसमें बैटरी है वैसे भी? बैटरी बैटरी स्टोर, बूट स्पेस दिखाएंगे जरा? हां जी, बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रंट से इसका अपना, अच्छा, ओपन होता है बूट। देखिए ये इसका बूट स्पेस है, काफी बड़ा बूट स्पेस है। ये देखिए, ये मिरर्स हैं इसमें, और ये देखिए आप साइज का इसका नजर लगा सकते हैं, पूरा आराम से आ रहा है इसके अंदर। देखिए इतना बूट स्पेस काफी है, ऑलमोस्ट एक लेडीज हेलमेट तो आ ही जाएगा इसके अंदर। हां जी, आराम से जेंट्स हेलमेट भी आ जाएगा। अच्छा, तो अगर बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी कितने स्पेसिफिकेशन की लग जाएगी? 4860 दोनों, 4860 लिथियम और लेड दोनों लग जाएगी? दोनों लग जाएगी। अच्छा, लेड में अगर बात करें 60 वोल्ट में तो कितना कॉस्टिंग आएगा स्कूटर का? 60 वोल्ट में आपको ये पड़ जाएगा 50,000 का। 50,000 का, और लिथियम में? 48 नहीं, लिथियम में नहीं, ये मैंने आपको बताया 48 वोल्ट में आपको स्कूटर पड़ेगा 48,000 का। अच्छा, लिथियम में आपको पड़ जाएगा ये स्कूटर
इसमें सब्सिडी तो नहीं मिलती होगी? इसमें सब्सिडी हमारा जो पीछे से आती है उसको काटने के रेट बताए जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ ये नहीं है जी, पहले आपको बोल दिया जाए, कमिटमेंट कर दी जाएगी भाई सब्सिडी आएगी 4 महीने बाद, कस्टमर वेट करता रहे, हमारे यहाँ पहले ही काट पीट के रेट दिए जाते हैं। और देखिए मैं कर देते हैं पहले ही सब्सिडी का। अच्छा, बाकी ये सारे अलग अलग कलर्स होंगे ना सेम आपके मॉडल्स के? हाँ जी सेम, देखिए ये सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। ये दूसरा है, ये वही सेम है ना? ये इसी का आपका रेड मॉडल है हमारा। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे देखिए ये सारे कलर्स हैं इसमें, और ये वाला भी, ये कोई दूसरा मॉडल है? ये आपको सबसे लास्ट में दिखाएंगे। अच्छा, लास्ट में बहुत ये। अच्छा, सबसे हैवी स्कूटर है हमारी। एक देखिए ये काफी स्टाइलिश मॉडल है इनके पास में, ये लेडी स्पेशल है फिर से। ये देखिए आप टॉक्सिमो, ये देखिए काफी, ये भी अच्छा देखने में बड़ा अच्छा है। मैं इसका आगे से पूरा लुक दिखाता हूँ आपको। ये अपना गोवा में अपना वो चलती है रेसिंग बोट, वो वाला मॉडल है जी। देखिए ये देखिए लाइट है इसकी, इंडिकेटर्स हैं दोनों। आपने देखा होगा रेसिंग बोट्स जो गोवा में होती हैं उस टाइप का मॉडल कंपनी ने डिजाइन किया। अगर हम स्कूटर की बात करें तो क्या स्पेसिफिकेशन है इसके? स्कूटर की बात करें तो ये स्पेसिफिकेशन देखो, इसमें ना पूरा आपका जो सिस्टम दिया हुआ है और स्कूटरों से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड है ये अपना। ये देखिए इसमें कैसे डायलर दिया हुआ है। हाँ जी, और ये अपना पार्किंग के लिए होता है, पार्किंग पे लग जाता है इसी से स्कूटर, पार्किंग से हट भी जाता है इसी से। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिकेटर्स के लिए, लाइट लाइट के लिए, लाइट के लिए ऊपर, ये अपना इंडिकेटर्स के लिए है। ये ऑन है प्लस इससे रिवर्स, इसको दबाने के बाद जैसे ही आप पीछे करेंगे रेस को ऐसे करेंगे तो रेस, अच्छा रिवर्स जा रही है, रिवर्स हो जाएगा, एक्सेलरेट करते हैं रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। हमारे मॉडल में एक खासियत है कि जैसे आप रिवर्स करते हैं उस स्कूटरों में आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से पीछे बैक हो जाते हैं, उससे गिरने का खतरा रहता है। हमारा स्कूटर मिनिमम मैक्सिमम 4-5 की स्पीड से बैक होता है। अच्छा, ये बैटरी स्टेटस होगा? हाँ जी, बैटरी स्टेटस है ये। और ये किलोमीटर गियर दिखा रहा है? गियर्स हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कितना गियर्स कह सकते हैं, फर्स्ट पे कितना जाती होगी थोड़ा दिखा दीजिए। फर्स्ट पे 25 समथिंग जाती है। अच्छा, सेकंड पे और ज्यादा जाती है, बट अभी इसमें जो है ना, मैं समझ गया। और बाकी क्या कहते हैं, थर्ड पे थोड़ा चलाइए, तो इसको थर्ड पे चलाएं, ये देखिए साउंड सुनिए, तो आप फील कर सकते हैं एवरेज, आपको कोई स्पीड में इशू नहीं आएगी। ये अभी मैंने बाकी कस्टमर का रिव्यू आया है। हाँ, स्पीड में कोई इशू नहीं आएगी इसमें बाकी, लेकिन आप फील कर सकते हैं गाड़ी खूब हिल रही है अच्छे से। हाँ जी, और ये आपका बूट स्पेस, हाँ देखिए इसका बूट स्पेस मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बूट स्पेस भी काफी अच्छा है इसमें। ये इसी कार्ड की आप बात कर रहे थे क्या? इसी कार्ड की मैं बात कर रहा था। ये अगर आप कार्ड दिखाएंगे, हाँ अगर आप ये ऐसे कार्ड दिखाएंगे तो आपको किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले से कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ये ओपन होता है इसका? हाँ ये ओपन होता है, ये उसके लिए होता है लिथियम बैटरी अगर आप इंस्टॉल कराना। अच्छा, इसमें लेड नहीं लगता? लेड है अभी, अभी इसमें लेड है, दिखाएंगे थोड़ा सा हाँ जाएगा। ये देखिए इसमें बैटरीज लगी हुई है, 5 बैटरीज लगी होंगी। हाँ जी, तो ये 60 वोल्ट में, इसमें अपग्रेड भी हो जाता है? इसमें अपग्रेड जैसे कि 72 वोल्ट करना हो तो? नहीं, 72 नहीं, अभी कंपनी ने डिजाइन किया है जो 60 में। अगर लेड में बात करें इसकी तो कितनी कॉस्टिंग आएगी 60 वोल्ट में? लेड में आपको पड़ जाएगा 62,000 का। और लिथियम में भी मैंने डिस्काउंट चला रखा है, तो कोई कस्टमर न्यू ईयर या क्रिसमस में आना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, वो हमारे शोरूम पे विजिट करने के बाद ही होगा। अच्छा अच्छा, बाकी मैं बोला था अगर लिथियम में लेना चाहता है कोई कस्टमर तो लिथियम में आपको ये पड़ जाएगा 75 का। 75 का जी, तो देखिए काफ़ी अच्छा है देखने में मॉडल, काफ़ी अच्छा है ये देखने में, और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसमें भी आपको मिलेगा। अच्छा, फोन मोबाइल चार्जर। हाँ जी, बाकी की फीचर्स तो सारे सेम ही होंगे? फीचर सेम है, और एक चीज़ है जैसे हमारे में मोटर लॉक हो जाती है। अच्छा, सभी मॉडलों में जैसे आपने ये कर दिया और मान लो इसको कोई छेड़छाड़ी करता है, कोई भी चोरी करने की कोशिश करता है, तो ये देखो। अच्छा, ये मोटर लॉक हो गई है, मैं इसको खींच नहीं पाऊंगा 2 मिनट बाद,
मोटर लॉक हो जाती है अगर कोई भी इसमें चाबी घुसाता है, जैसे आपकी चाबी मान लो गिर गई और आपने लॉक कर रखा है, या कोई दूसरी चाबी डालने की कोशिश करता है, ये देखो ये अलार्म बजना शुरू हो गया इसमें। अच्छा। अभी फिर मोटर लॉक हो गई है, फिर मोटर लॉक हो गई। हाँ जी काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए साउंड करने लग जाती है गाड़ी। ये लेके नहीं जा पाएगा कोई स्कूटर। काफी बढ़िया है मॉडल, देखने में आगे भी DRL दिए हुए हैं इसमें। ये देखिए DRL है, ये इंडिकेटर से, अच्छा ये लाइट जल रही है, और ये ऊपर ऊपर इंडिकेटर, ऊपर से इंडिकेटर। आगे दिखा देता हूं। काफी बढ़िया स्कूटर है ये, देखिए स्कीट सीट भी इसका अच्छा है, कोई लेडीज के लिए कंफर्टेबल सीट है। लेडीज के लिए काफी कंफर्टेबल है, 5'8" साइड है और मैं देखो पे पूरा पैर रख के बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, तो लेडीज के लिए ज्यादा उसका नहीं रहेगा, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है, प्लस लेडीज के आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। फ्रंट में डिस्क होगा इसमें, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है जैसे कि आप देख सकते हैं, उधर ही साइड है। ट्यूबलेस टायर होंगे, ट्यूबलेस टायर है। अच्छा टायर का कितने इंचेस का होगा, ये आइडिया है आपको? टायर होगा 10 इंचेस में, 10 इंचेस में ना, क्योंकि कितने कस्टमर पूछते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उससे कोई इशू ना आए चलाने में बाद में। और दिखा दीजिए और कोई, हमारे पास एक राइनो आता है। अच्छा राइनो, ये भी टॉक्समो कंपनी में है अपना, मैं भी साइड में दोनों तरफ DRL होते हैं। अच्छा लेकिन इसमें लेड मतलब ड्रम ब्रेक्स होते हैं, इसमें हमने वो वाला डिस्क नहीं लगवाया, डिस्क वाला मॉडल लिया ही नहीं है। अच्छा कुछ मॉडल कस्टमर डिमांड करते हैं हमें ड्रम ब्रेक ही चाहिए, इसलिए इस बाकी बैटरी स्पेसिफिकेशन क्या होता होगा इसका? बैटरी स्पेसिफिकेशन वही है, 60W 48W दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा प्लस इसमें फोन चार्जर दिया हुआ है, ये देखिए फोन चार्जर, ये फोन चार्जर है इधर की साइड, और थोड़ा सा इधर करके देखिए फोन चार्जर का ये अपना दिया हुआ सिस्टम कंपनी ने। अच्छा यहीं से अपना बूट ओपन हो जाता है इसका, ये देख सकते हैं बूट इसका, देखिए बूट स्पेस काफी ज्यादा है इसका। बैटरीज इसमें नहीं लगी होंगी अभी? अभी बैटरीज इसमें नहीं होंगी। अच्छा कॉस्टिंग की बात करें 60 वॉट में तो कितना कॉस्टिंग पड़ेगा लेड में? अराउंड 55,000 पड़ जाएगा। 55,000 और 48 वॉट में नहीं आती होगी ये? 48 60 दोनों दोनों वेरिएंट है। 48 में कितना पड़ेगा? 48 में ही आपको 55 पड़ता है, वैसे 56 है जो इसमें, बस ₹1,000 का ही फर्क दे रही है कंपनी। अच्छा 56 में आपको 60 वॉट मिल जाएगा। और लिथियम में अगर लगाना चाहे कोई? लिथियम में आप मोटा मोटी ये मान के चलो इतना फर्क आ जाता है, 12,000 से 15,000 का फर्क आता है लिथियम में हो जाती है। अच्छा अच्छा और फाइनल कोई दूसरा और कोई मॉडल हो तो इसमें, जैसे हमारे पास TNR में है ये वाला मॉडल, ये इसमें आपने एक एक चीज मिस कर दी है, राइनो में हमारे पास जो है ऊपर भी DRL है। अच्छा इसमें ऊपर भी है DRL? हाँ जी। फिर आपका TNR का हमारे पास एक स्कूटर है जिसका नाम है, ये देखिए टर्नर क्लासिक, टर्नर क्लासिक मॉडल है, इसमें भी वही अपना बूट स्पेस जैसा आपने, इसमें आगे डिस्क ब्रेक है, हाँ डिस्प्ले का इसमें लगा हुआ है। बैटरी स्पेसिफिकेशन सेम होंगे इसके भी? हाँ जी 48-60 दोनों में। बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें, मटेरियल वाइट कलर में दिया हुआ है बिल्कुल, और ये काफ़ी बड़ा है देखिए। इसमें बैटरी यूजर नहीं चेंज कर सकता राइट? नहीं लग सकता है नहीं, ये मतलब स्क्रूज ओपन करने पड़ेंगे पहले तो बैटरी निकलेगी ना उसके लिए, लेकिन बैटरी देखिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आराम से आपके मंथली ग्रोसरी आ जाएगी इसके अंदर। बाकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग 58,000 है, जैसे इसमें मॉडल 60 वॉट का मैंने आपको रेट बताया 58,000 प्लस इसमें फ्रंट डिस्क मिलेंगे। अच्छा फिर आगे DRL मिलते हैं, स्टाइलिश DRL होंगे इसमें, प्लस आपको ऊपर भी DRL मिलेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं आप, अभी पैक है ये मॉडल 60 वॉट में है ना ये? हाँ जी 60 वॉट 48 दोनों में मिल जाएगा आपको, और एज 28 ही होता होगा? हाँ 28 हमारे पास बेसिकली सब स्कूटर में जो लेड एसिड बैटरी मिलेगी वो 28 एज में ही होगी। अच्छा और लिथियम में अगर कॉस्टिंग की बात करें तो?
लिथियम में, तो वही आपको 12 से 15 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी। बाकी देख लीजिए और कोई लेटेस्ट। हमारे पास एक ही मॉडल है, ये राइनो प्लस। राइनो प्लस देखने में काफी अट्रैक्टिव है ये, देखिए मोटर सब में सेम ही होता होगा। 1000 वॉट मोटर। इसमें आपको बैटरी इंस्टॉल्ड है भी। अच्छा बैटरी इंस्टॉल्ड है इसमें भी। ये देखिए ये काफी देखने में फ्रंट आपको ड्रम ब्रेक होंगे। अच्छा प्लस आपको इसमें फोकस वाली एलईडी लैंप मिल जाएगा। फ्रंट से ही आपका फ्रंट लॉक से ही आपका डिक्की ओपन हो जाता है। ये देखिए बूट स्पेस इसमें अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर भी काफी स्पेस दिया हुआ है। और देखिए बूट स्पेस दिखा दीजिए। ये देखिए बूट स्पेस कुछ ऐसा है, इसका बूट स्पेस भी काफी बड़ा है। इसमें लेड बैटरी लगी हुई है इसमें। हाँ जी। ये कितनी वोल्ट में है ये? ये 4860 दोनों में ही आता है। 4860 दोनों में। हाँ। प्लस इसमें आपको वही फोन चार्जर दिया हुआ है। अच्छा। इसमें भी सेम फीचर्स हैं ये सारे। ये रिवर्स का है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड है। अच्छा। ये अपना इसका मीटर है। देखिए मीटर कुछ इसका ऐसा दिख रहा है। मीटर पार्किंग का ये बटन होगा, पार्किंग हट जाती है पार्किंग बटन से। इसमें भी दिखाएंगे थोड़ा सा रेस देखे कैसा चल रहा। ये देख ये थर्ड मोड पे चल रहा है अभी। नहीं अभी था तो थर्ड मोड पे, बट अच्छा, इसमें स्पीड लॉक की होती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी स्पीड अगर कहेंगे तो बढ़ा दी जाएगी वो। अच्छा अच्छा स्पीड लॉकिंग है वैसे ओवरऑल। बाकी काफी अच्छा है स्कूटर देखिए देखने में। इसमें फ्रंट में कॉस्टिंग की बात करें तो इसका कितना कॉस्टिंग आएगा? 55 में 60 वॉट में। अगर आप इसमें हमारे पास बेसिकली वो भी आता है इसका एसेसरीज, ग्रिल होंगी, स्टील ग्रिल होगी पूरी जो कवर कर लेगी आपका यहाँ से आगे तक। अच्छा विद एसेसरीज कितना पड़ेगा? आपको 56 में पड़ जाएगा। 56 60 वॉट में। अच्छा दिया हुआ, ये काफी ड्यूरेबल है। पीछे सीट भी काफी बड़ा है इसका। ये हमारे फादर के जमाने का स्कूटर है, इसे भी दिखाई दीजिए आप। अच्छा ये तो पेट्रोल वाला होगा। ये आइकॉनिक पीस है हमारे यहाँ का, पेट्रोल स्कूटर है ये तो। ये पेट्रोल स्कूटर है, ये देखिए पेट्रोल स्कूटर। और सेम यही आप देख सकते हैं, आप ले इलेक्ट्रिक में आ गया है। देखिए ये सेम डबल सीट्स हैं और ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक। और जो फाइनल आप दिखाना चाहते थे और कुछ दिखा दीजिए जो बेहतर है। ये वाला अब इसके एडवांटेजेस बता दीजिए क्या क्या है। इसमें तो एडवांटेजेस से भरपूर मॉडल है। देखिए आगे डिस्क है इसमें 12 इंचेस में, तो व्हील मिल जाएंगे अलॉय व्हील्स। अच्छा फ्रंट डिस्क ब्रेक। फिर आप पीछे चलेंगे तो फिर से आपको फिर डिस्क मिलेंगे। पीछे भी डिस्क है, फ्रंट रियर बोथ डिस्क है। इधर की साइड आएंगे तो आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा मोटर भी काफी अच्छा पावरफुल दिख रहा है। हाइड्रोलिक शॉकर्स हैं इसमें, हाइड्रोलिक शॉकर्स हैं। बूट स्पेस इस मॉडल में काफी अच्छा है। फिर इसमें देखिए यहीं से इसका बूट ओपन हो जाता है। अच्छा बूट स्पेस इसमें इतना है कि आप दो हेलमेट, एक लेडीज एक जेंट्स हेलमेट डाल सकते हैं। ये देखिए ये इसका बूट स्पेस है, काफी ज्यादा बूट स्पेस है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसका चार्जर होगा। हाँ जी ये 72 वोल्ट का है। हाँ जी देखिए 72 वोल्ट का ये 72 वोल्ट का इसका चार्जर है। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है 72 वोल्ट। और ये देखिए ये काफी चार्जर छोटा है काफी। वैसे चार्जिंग टाइम कितना लेता हुआ सर इसका? ये देखिए खड़ा हो गया और अभी भी इसमें इतनी जगह बाकी है। काफी बड़ा है ये, इसमें काफी अच्छा स्पेस है इसमें। आप ये देख सकते हैं ये काफी लंबा बॉक्स है। देखिए इसको मैं आपको खड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा खड़ा हो जा रहा है, ये खड़ा होके भी बंद हो जाएगा। हाँ ये देखिए अभी भी ये पूरा बहुत बड़ा बूट स्पेस है इसका। 72 वोल्ट 28 Ah होगा। हाँ जी 28 Ah प्लस इसमें आप फिर से वही लिथियम भी इंस्टॉल करा सकते हैं वो और लेड में भी। हाँ जी अभी इसमें फिलहाल लेड इंस्टॉल्ड है। ये देखो यहाँ से आप अपना अच्छा खोल सकते हैं उसके लिए नीचे। हाँ जी ये देखिए 6 बैटरीज लगी हुई हैं, 3 आगे 3 आगे लगी होंगी। हाँ जी 3 आगे। इसमें अच्छा। बाद में यहाँ से ओपन करके अपना
लिथियम भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए सर, कि ये रेंज कितना देती होगी ये गाड़ी? रेंज जैसे आपके पास एक स्कूटर है 90-80 के, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ये भी 90 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ जी, ये इसको फर्स्ट मोड पे चलाएंगे तो 90-100 भी निकाल देगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सेकंड पे करेंगे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रोड होता है सब चीज। तो ऐसा कोई पेलोड अगर मान लीजिए दो बैठ गए 200 kg तक, तो कोई इशू तो नहीं है? 200 kg तक दो बंदे बैठ गए तो आप इस पे 300 kg तक लोड डाल सकते हैं, ये अच्छा। हमारे किसी भी स्कूटर पे वैलिड है। अच्छा अच्छा, लेकिन बस उससे थोड़ा सा माइलेज पे फर्क आएगा, लेकिन आपका लोड आराम से 300 kg तक सारे स्कूटर खींच सकते हैं। अच्छा अच्छा, काफी बढ़िया है। आप कॉस्टिंग की बात करें अगर लैंड में, तो इसकी देखें आप काफी बढ़िया है, ब्राउन कलर में इसका देखिए सीट वैसे काफी प्रीमियम है इसका, प्लास्टिक लगी हुई थी इसलिए नजर नहीं आया, और ये ऑलरेडी लगी हुई है इसमें ये सब। ये बेसिकली सेफ्टी है, स्कूटर सेफ्टी है, इससे सेफ्टी है, कोई भी पीछे से मारता है तो किसी के आगे टक होएगा। काफी ज्यादा पीछे की आप लाइट देख सकते हैं इसकी, हायाबुसा जो बाइक आती है उसमें लाइट दे रखी है कंपनी वालों ने। बाकी दिखा दीजिए थोड़ा सा मीटर में इसका भी कैसे चलता है। ये देखिए, ये थर्ड मोड पे है ना, ये सेकंड मोड पे है अभी। फर्स्ट पीछे आप एक्सीलरेशन पे देखिए ना, आवाज देखो मोटर की कितना है। ये देखिए मोटर तो इसका काफी बड़ा मोटर लग रहा है मुझे, इसका मोटर थोड़ा ज्यादा वाट का होगा। हाँ जी, ये देखिए काफी स्पीड है, सेकंड मोड पे चल रही है अभी। हाँ जी, और 54.5 इसकी बेसिकली जो रेंज कंपनी क्लेम करती है 65-75 होती है। अच्छा, हाँ जी, वो सिंगल बंदा बैठ करके? सिंगल नहीं, मतलब आप दो भी बैठाओगे जब भी 65-75 चली जाती है। अच्छा, और चार्जिंग टाइम कितना लेता होगा लाइट में? 8-9 hours, और अगर लिथियम में लोगे तो 4-5 hours। अब मैं बात कर लें, अगर जरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसके लिए अगर वारंटी की बात करें तो बैटरी की आप कितना वारंटी देते होंगे? वारंटी लिथियम में आपको मिल जाएगी 3 years। अच्छा, लेड एसिड में मिलेगी आपको 1 year। उसके बाद अगर मान लीजिए रिप्लेसमेंट कराना हो तो कितना कॉस्ट आता होगा लेड और लिथियम में, एसिड में? लेड एसिड 10-15,000 के अकॉर्डिंगली जैसे उस टाइम रेट। अच्छा, फिलहाल आपको 10-12,000 में आपको बैटरी रिप्लेसमेंट मिल जाती है 60 वॉट के मॉडल्स में। और कोई कस्टमर अगर परचेस करता है तो आप कितनी सर्विसेज वगैरह देते हैं? 3 services free हैं। 3 services free हैं। हाँ जी, वर्कशॉप यहीं पे हो जाएगा? वर्कशॉप नीचे है अपना। अब आप इसका एक बार फ्रंट और देख लीजिए, फ्रंट ही इसका आइकॉन। ये कलर भी चेंजिंग है इसका? हाँ जी, नहीं ये कलर चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, कलर चेंजिंग नहीं है। ये देखिए, अच्छा ये भी एक लाइट अलग से देखिए, काफी जबरदस्त लग रहा है देखने में, ये जल रहा है इसका सामने से। और इंडिकेटर? पार्किंग लाइट है इसकी। ये पार्किंग लाइट है? हाँ जी। और इंडिकेटर देखिए, यहाँ 4x4 इंडिकेटर दिए हुए हैं कंपनी ने इसमें, 4x4 पीछे भी होंगे। हाँ जी, पीछे भी से एक साथ दोनों जल रहे हैं देखिए। काफी बढ़िया स्कूटर है ये देखने में। जैसे इसमें काफी अच्छा स्कूटर है ये तो। अच्छा, आपके हिसाब से सर बात करें तो लेड में बेहतर है ज्यादा या लिथियम लेना चाहिए? देखो ये तो आपकी चॉइस है, आपको जिस हिसाब से रन करना है, भाई आपको थोड़ा सा ज्यादा चलाना है, आपके पास टाइमिंग की शॉर्टेज है तो आप लिथियम में लीजिए। लेकिन अगर आपको बेसिक यूज है, भाई पूरे दिन में 50-60-70 किलोमीटर चलना है, तो आप लेड एसिड में जाइए, लिथियम का कोई फायदा नहीं है। लिथियम का फायदा जब आपका पूरे दिन का फील्ड का काम है। अच्छा, और लिथियम में कितने केसेस भी आते हैं कुछ बर्निंग हो रहा है? हाँ, लिथियम में बस यही थोड़ा सा फॉल्ट लगता है, अभी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है सब लिथियम के पीछे भाग रहे हैं। जैसे गाड़ी में भी अभी सुनने में आया था एक केस हुआ था, हाँ हुंडई की कोना गाड़ी थी, वहाँ पे वो यानी कोई कंट्री थी उसमें। हाँ, लिथियम में काफी, तो लेड में मतलब कोई इशू नहीं आता होगा? लेड में कोई इशू नहीं है कोई। और चार्जर तो ऑटो कट होता होगा इसका? चार्जर ऑटो, सब में चार्जर ऑटो कट है सारे मॉडल। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया इनके शोरूम में काफी सारे स्कूटर्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूटर्स मेरे को दिखाई दिए, और मोस्टली इनके पास में लेड में है जो बेहतर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही, हमेशा लेड में प्रेफर कीजिए। और सर हमारे वीडियो के
जरिए कोई आता है तो आप उसको कुछ डिस्काउंट देंगे? हाँ जी जरूर, जी जरूर, आपके थ्रू कोई भी, आपके चैनल के थ्रू कोई भी आता है तो अच्छा, उसका बेस्ट रिगार्ड देंगे, प्लस अच्छा से अच्छा डिस्काउंट देंगे ताकि वो लेके ही जाए हमारे। हमारा मेन मोटिव कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और बाकी सर फाइनेंस भी हो जाता होगा आपके पास में? फाइनेंस भी है हमारे पास, फाइनेंस अवेलेबल है और कैश भी होगा पूरा? और ये क्या कहते हैं, तो इंश्योरेंस भी हो जाता है। अच्छा, वो अपनी कस्टमर की चॉइस है। अच्छा अच्छा, और तो जो भी न्यू दिल्ली के कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली इनके शॉप पे आके ले सकते हैं। और बाकी सर अगर जो न्यू दिल्ली का नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर वो करता है बात, हाँ, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे देता है तो हम उसका डिलीवरी भी करा देंगे। तो दिल्ली एनसीआर में आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं दिया जाएगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर आप अगर स्कूटर रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, और ये दूसरा मैं पूछ रहा हूँ सर, ये गाड़ी लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी? आपको मेनली अपना बस नेम, आधार कार्ड वगैरह मेन बेसिक वही है, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, और इसके लिए कोई लाइसेंस और हेलमेट की जरूरत नहीं? लाइसेंस हेलमेट किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाकी आप ठीक है, हेलमेट लगा कर चले तो बेहतर रहता है। हाँ हाँ, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर आकर जरूर देखिए जो बेहतर काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स हैं इनके पास में। मैंने आपको ऑलमोस्ट और सब दिखा दी, बाकी मैं सर आपको कोई कार्ड होगा जिसमें नंबर वगैरह लिखे होंगे? कार्ड अभी मेरे प्रिंटिंग। अच्छा अच्छा, तो मैं मेन बोर्ड का आपको दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, उसमें सारे इनके डिटेल्स लिखे हुए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, जो सीरियस हैं कस्टमर जो लेना चाहते हैं प्लीज़ वही फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि शॉपकीपर्स को भी ज़्यादा फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। टाइमिंग सर फ़ोन करने का कौन सा होगा आप लोगों का? टाइमिंग आप 12 to 9, 8, 8, 8 12 to 8 तक आप फ़ोन कर रही है इनको, कोई इशू नहीं है। बाकी थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।